मैं बड़ा उनसे बड़ा सीखा हूँ यार और पंकज कपूर साहब से बड़ा सीखा सीखाउ wow. क्योंकि आई डिड अ फिल्म विद हिम कॉल्ड ऑफिस ऑफिस द फिल्म ऑफिस ऑफिस द फिल्म आपने नहीं देखी किसी ने नहीं देखी वो लास्ट मिनट पे उसकी ना पब्लिसिटी हुई ना कुछ हुआ When did this come out? वो आई और चली गई 2011 में ग्यारह में राइट पर मजेदार फिल्म थी मुझे तो बड़ी फनी लगी थी क्योंकि सारा कास्ट था उसमें ऑफिस ऑफिस टीवी शो का राइट इट स्टिल ऑन आई मीन आई थिंक इट्स ऑन यूट एंड सो द होल फिल्म इज इन दैट

Very easy for me to play, no problem. Okay, <laughs> so it's a complete waste film, <laughs> and it was so funny because I th thought the casting was so interesting. okay Pankaj Kapoor, uh, Pankaj ji was my uh, father, and uh, Farida Jalal ji was my mum. Wow. So, and our family shot was, and they both. I'm considerably taller than them, right? Uh -huh. So the family shot is they are standing here and here, and I'm standing Ooh. here, one foot taller than them. And they are both the sweetest people in the world, right? And for me acting with them and. मनोज पावा हेमंत देवेंद संजय मिश्रा असावरी जोशी ये सब मतलब मैं तो रोज मतलब एवरी डे वॉज एन इम्प्रोवाइजेशन मास्टर क्लास इट वॉज जस्ट अमेजिंग और हम हमने वो फिल्म तो मुझे मैं पहले दिन जब गया ना तो अब मैं कह रहा हूँ यार इतने महारथी एक्टर तो हम भी कल के बच्चे हाँ. हम सोच रहे हैं हम भी थोड़ा मेथड करेंगे तो अश्विनी आए अश्विनी द राइटर हाँ, है फेमस राइटर उन्हें इधर क्या कर <laughs> मैंने कहा भाई थोड़ा ना मैं कहता नहीं <laughs> नहीं <laughs> नहीं अबे ये मैंने तेरे लिए लिखा है ये तू है ज्यादा मत कर ठीक <laughs> है तू बंटी है मैंने कहा हाँ मैं हूं कहता तो तू ही तो है ये दिल्ली का बंटी ये क्या तू ज्यादा मत सोच इसके बारे में I was Lord like, Lord man, Lord. this is the best writer's instruction ever. Yeah. Like saying, भाई इतनी मेहनत मत कर ठीक <laughs> है <laughs> Hashtag just relax. <laughs> 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 तो फिर उसके बाद बड़ा मजा आया वो फिल्म शूट करने और आपने पहले ऑफिस ऑफिस देखा हुआ था बिल्कुल या, यार किसने यार नहीं देखा क्या शो था मैं तो पहले दिन जब गया और अगेन पंकज जी भी इज वेरी सीरियस ही टेक्स टाइम टू ओपन अप मोस्ट ऑफ दीस पीपल आर मोस्ट ऑफ दी सीनियर एक्टर्स आर नॉट के अरे क्या चल रहा है ऐसे नहीं वो हैं वो थोड़ा अपना फोकस करते हैं और थोड़ा यू you नो know, तो uh, मैं पहले दिन उनके साथ बैठा मैंने कहा सर मोर देन मी

फिर तीन चार दिन ना वो बहुत ही थोड़ी सहमे सहमे और मैंने कहा यार ये फादर सन आर एट ऑड्स इन द फिल्म बट आई हैव टू बिल्ड सम रैपो विद हिम बिफोर आई डू दैट चौथे दिन हमारा एक शॉट था जो हमें बस में बैठना था uh. और वो बस बड़ा जिमी जिप का शॉट था वो बस आती है स्कूल के गेट पे रुकती है और बाप बेटा दोनों उतर के बाहर आते हैं तो जिमी जिप का शॉट था अब वो फरीदाबाद में शूट हो रहा था तो बस को एक किलोमीटर आगे यू टर्न लेके चार पांच टेक मैंने कहा अब तो कुछ नहीं तो तीन घंटे तो बस है ये तीन घंटे में पंकज जी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया तूने गौरव कपूर तो तेरा नाम नहीं है ठीक है तेरे को जरूर करना है तो फिर हमने बातें करनी शुरू करी और उसके बाद जो उनका अफेक्शन खुला है और उन्होंने जितना प्यार दिया है पंकज जी ने और अभी भी मैं जब भी उनसे मिलता हूं मतलब मेरे दिल में फुहारे फूटने लगते हैं वो और सुप्रिया जी जब भी कभी कभार ना यू नो यू विल गोड समवेयर टू सम रेस्टोरेंट या कहीं किसी कैफे कहीं टकरा जाते हैं मिल जाते हैं इतने स्वीट इतने अच्छे वो नसीर साहब नसीर साहब बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं नसीर साहब जब भी मेरे को कहीं भी मिलेंगे तो अरे तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए <laughs> मैंने कहा आप जब भी मेरे से मिलते हो कोई भेज देते हो अब मेरे से मिलते खुश नहीं हो रहे <laughs> है। ये का बोलो मैंने तो वह देख कर लगता तुम क्रिकेट मैच <laughs> पर ही हो गए सो इन ये दीज आर माई मेरे हिसाब से ना बाकी सब तो चीजें ठीक है यार पर ये जो इंटरेक्शन और अफेक्शन जो इन सीनियर्स का जिनको आप देख के पले बढ़े हैं या। सनी भाई सुनील गांव साहब कपिल पाजी ये दिस इज माई आई फील दिस इज माई वेल्थ ये मेरी पूंजी है ये मेरी जायदाद है Lovely.